नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से अचार की रेसिपीज मैंने डाली हैं और आपने बेहद पसंद करी हैं। अब फिर लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा गलगल का अचार। गलगल बहुत बाजार में आई हुई है, सीजनल है। इसी तरह से आप अचार बनाइए। पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको आज जो है बताऊँगी। एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा मीठा अचार बनेगा। आज से पहले आपने बिल्कुल नहीं बना के खाया होगा, इतना टेस्टी अचार है ये। इंस्टेंट अचार है, आप उसी टाइम बनाइए, उसी टाइम इसको आप खा सकते हो, बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं अपना गलगल का खट्टा मीठा अचार। इसके लिए हमने ये गलगल लिए और गलगल को धो लिया है। इसको सुखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हल्की गीली भी हो तो कोई बात नहीं। तो गलगल हमने ले लिया, और गलगल जब भी आप चूज़ करें तो पतले छिलके वाली जो है गलगल लें, मोटे छिलके वाली गलगल बिल्कुल ना लें। उससे क्या होगा, एक तो अचार आपका कड़वा बनेगा और दूसरा अचार बनने में बहुत समय लेगा। तो ये हमेशा पत्ते छिलके वाली गलगल हमें लेनी चाहिए, ये जूसी भी ज़्यादा होती है। तो इसको हमने धो लिया है, अब इसको हम कट करेंगे। तो बीच में हमने इस तरह से इसको पहले कट कर लेना, ये दो साइड्स कॉर्नर्स को लेकर बीच में से जो है हमने कट मारना है इस तरह से। और आप देख सकते हो ये जूस से भरी हुई है हमारी गलगल, बहुत ही बढ़िया गलगल है। इसी तरह पत्ते छिलके वाली अगर आप गलगल लोगे तो आपकी गलगल भी जूसी होगी। तो इस तरह से इसको कट कर, तो जितनी बड़ी छोटी आप करना चाहते हो उस हिसाब से आप इसको कट कर सकते हो। तो मैं जो है इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि वेस्टेज नहीं होती है, और जितने भी इसके अंदर सीड्स हैं उसको कोशिश करके अलग कर लीजिए। इससे आपका जो अचार है बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा। हम इंस्टेंट अचार बना रहे हैं कि आप अभी बनाएंगे और अभी आप इसको खा पाएंगे। ये देखिए मोटा इसका छिलका है, ऊपर से छिलका को अलग कर देते हैं और इस तरह से हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना। इससे बिल्कुल भी आपकी वेस्टेज नहीं होगी। इस तरह से हमने इसको कट करना है। ये देखिए, तो सारा हमने गलगल को इस तरह से कट करके रेडी कर दीजिए। सारी गलगल को हमने कट करके रेडी कर दिया, और इसकी जो सीड्स हैं हमने अलग कर। अब मैं ले लूंगी एक कढ़ाई और इसके अंदर डालेंगे सरसों का तेल। तो एक कड़छी जो है मीडियम साइज की, एक हमने सरसों का तेल डाल दिया। बहुत ज्यादा तेल इसमें नहीं डालना है, बस इतना ही तेल डालेंगे और इसको जो है हम अच्छे से चलने देंगे। तो आप देख सकते हो अच्छे से धुआं निकल रहा है इसमें से, और अच्छे से जो है ये ऑलमोस्ट जल चुका है। इससे ज़्यादा हमने नहीं जलाना है, हल्का हल्का इसको येलो रखेंगे। और इस टेस्ट पे हम इसमें डाल देंगे, गरम गरम में ही हमने रेडी रख लेना है अपनी हींग। तो आधा चम्मच के करीब हमने हींग जो है रेडी रख ली है। छोटा चम्मच लेंगे हम, आधा चम्मच, और गैस को फ्लेम हल्का कर देंगे। गैस को फ्लेम हमने बिल्कुल हल्का कर देना है। इस टेस्ट पे हमने जल्दी से अपना काम करना है। हमने जो है जल्दी से हींग डाल देनी है, और इसके साथ ही हमें जो है ये गलगल डाल देंगे। अगर आप जल्दी से नहीं डालेंगे तो ये हींग जो है हमारी जलने लगेगी, और अगर आप नहीं डाल पाते इस तरह से तो तेल को थोड़ा सा ठंडा कर लें। तो ये सारी हमने जो है गलगल इसके अंदर डाल दिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नॉर्मल नमक डालेंगे इसके अंदर। मैं जो है इसमें एक चम्मच से थोड़ा सा कम डालूंगी, यानी कि आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, और एक चम्मच में हमने इतना बचा दिया। आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया, एक चम्मच भरकर हम इसमें लाल देखी मिर्च डालेंगे, एक चम्मच से थोड़ी सी ज्यादा। ये मसाले डालने से बहुत ही ज्यादा जो है जरूरी है, इसी से जो है सारा टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम हमारा अभी बिल्कुल हल्का है। आप जितना चटपटा चाहते हो बनाना उस हिसाब से आप लाल मिर्च डाल सकते हो। लीजिए इसको हमने इस तरह से बिल्कुल हल्के फ्लेम में पकाना है, लेकिन हम इसको इसी तरह से नहीं पकाएंगे, हमने इसमें और कुछ नहीं डालना है। बस हमने इसको इसी तरह से ढककर रख देना है बिल्कुल हल्के फ्लेम में, और बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे। तो एक मिनट के लिए, एक मिनट हो चुका है, इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए ऑयल जो है साइड पर आ गया, तेल छोड़ दिया पैन ने, इसको एक बार हिला लेते हैं। हिलाने के बाद हम इसको दोबारा से ढककर रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। एक मिनट और हो गया, एक मिनट दोबारा चेक कर लेंगे। ये देखिए हल्का हल्का ये सॉफ्ट होने लगा है। तो 2 मिनट और, 2 मिनट और हो गए हैं, इसको चेक कर लेंगे। लीजिए अब इसके अंदर डाल देंगे कुछ अपने मसाले, जैसे कि इसमें सबसे पहले हम डालेंगे भुना हुआ जीरा आधा चम्मच, इससे स्वाद बहुत ही एनहांस हो जाएगा। आधा चम्मच हम इसमें नॉर्मल नमक डाल देंगे, और आधा चम्मच के करीब ही हम इसमें काला नमक डाल देंगे।
इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे लाल देगी मिर्च थोड़ी सी और आधा चम्मच, और 1/4 कप हम इसमें डाल देंगे चीनी। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है ये। पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, आप लाइक का बटन दबाते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरा दिल करता है कि मैं और नई नई रेसिपीज आपके लिए लेकर आऊँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो कि आप कौन सी चीज की रेसिपी चाहते हो, तो वो मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। चीनी को मेल्ट होने देते हैं, आधा कप के करीब चीनी और डाल देंगे। कुल मिला के हमने इसमें आधा कप जो है चीनी डाल दिया। अच्छे से इसको मेल्ट होने देते हैं। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया सा हमारा अचार जो है बन गया है। गैस को स्टेज पे कर देंगे बंद। देख सकते हो अचार बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया, ये देखिए मजेदार सा अचार बना है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी रंगत देखिए कितनी सुंदर है। इसको एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख दें और लंबे समय तक जो है आप इसको एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार बनता है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। आप एक बार खाओगे तो आपका दिल करेगा, हमेशा इसको बनाकर रखो, ख़त्म ही नहीं होने दोगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया था हमारा अचार बना है। इसको बनाते समय बस कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसको लगातार हिलाना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हल्के फ्लेम में। इसको 4 मिनट के लिए इसको जो है हमने हल्के फ्लेम में पकाना है और इसको लगातार हिलाते रहना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है हमारा अचार जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब ये इंस्टेंट अचार है, बन चुका है, इसको ठंडा होने के बाद आप इसको खा सकते हो। बहुत ज़्यादा यमी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।